यसके सरकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल बताने जा रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से देखिए। यहां पर सवाल में आपको पी आपसे पूछ दिया गया, पी मीन्स प्रिंसिपल होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन आपको दे दिया गया है और ये दर दे दी गई और समय 2 वर्ष। तो देखिए इसको हम दर के बेस पे लगाते हैं, तो यहाँ दर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो दर की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। अगर किसी को वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू ये आपका है 16 / 2/3%, तो इसकी गुणा करेंगे 16 × 3 = 48 और 2, इसको लिखेंगे 50/3 और ये प्रतिशत है इसको हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे, 50 × 51, 50 × 2, इस प्रकार से 1/6 इसकी वैल्यू आ जाती है। इसको हम मान लेते हैं मूलधन और इसको मान लेते हैं हम ब्याज। तो 2 वर्ष का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी और यहाँ पर लिखेंगे ए। तो देखिए हमने माना पहले साल हमारा मूलधन 6 रुपए था, 1 रुपए ब्याज मिला तो 7 रुपए हमारा मिश्र धन हो गया। दूसरी साल 6 रुपए था, 7 रुपए मतलब 1 रुपए ब्याज मिला तो मिश्र धन 7 रुपए हो गया। इस प्रकार से इसकी गुणा करेंगे 7 × 7 = 49 और 6 × 6 = 36। 36 रुपए हमारा हो गया है मूलधन और 49 रुपए हमारा हो गया है मिश्र धन। तो हमने इससे निकाल दिया 9 में से 6 गए 3 और 4 में से 3 गए 1, जी 13 रुपए हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको दिया क्या? आपको अमाउंट दिया है तो हम अमाउंट के बराबर में कर देंगे। 49 × 49 = 98 होता है तो 200 रुपए, 1 = 200 रुपए आ गए हैं। और आपको जे पूछा है 3600 रुपए पूछा है, वो 36 रुपए पूछा है तो 36 को गुणा 2 से कर देंगे तो 3600 × 72 आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। और 13 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है, 1 की वैल्यू 200 है तो 13 की वैल्यू आपकी 2600 रुपए हो जाती है। इस प्रकार से आपका प्रिंसिपल आ गया 7200 रुपए और मिश्र धन आपका आ गया है 9800 रुपए, 2600 रुपए आपका ब्याज आ गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, तरीका समझ में आया है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।